देहरादून के त्यूनी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां लकड़ी के 4 मंजिला घर में आग लगने से 4 मासूम जिंदा जल गए। हादसा रसोई गैस सिलेंडर बदलते समय हुआ है। 4 सिलेंडर एक के बाद एक धमाके के साथ फटे तो पूरा क्षेत्र दहल गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वाहन में पानी कम होने से काफी समय लग गया। ग्रामीणों की कोशिश भी नाकाम साबित हुई और देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो गया। त्यूनी में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी सूरत राम जोशी का लकड़ी का 4 मंजिला घर सड़क के किनारे स्थित है। इसमें मकान मालिक के साथ ही 5 परिवार किराए पर रहते हैं और घर के अंदर किराए पर रहने वाले 5 बच्चे, 2 पुरुष और 1 महिला थी। घटनाक्रम के मुताबिक करीब 4 बजे किराए पर रहने वाली विक्की की पत्नी कुसुम किचन में रसोई गैस सिलेंडर बदल रही थी। इस दौरान अचानक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। हड़बड़ाहट में कुसुम ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने लकड़ी से बने मकान को चपेट में लेना शुरू कर दिया। किराए पर रहने वाले अन्य परिवार के सदस्यों ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण पहुंचे। उधर सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाना शुरू किया, लेकिन वाहन में पानी कम होने के कारण 10 मिनट में ही पानी खत्म हो गया। आग विकराल हुई तो घर में रखे 4 सिलेंडर एक के बाद एक धमाके के साथ फटे। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पानी लेकर वापस आई, तब तक आग पूरे घर को अपने चपेट में ले चुकी थी। इससे अंदर मौजूद 4 बच्चे जिंदा जल गए और विक्की चौहान, भगत, कुसुम और स्वाति झुलस गए। गनीमत रही वो किसी तरह बाहर निकल आए। इसमें कुसुम की हालत गंभीर देख हायर सेंटर रेफर किया गया है। उधर डीएम देहरादून के कहने पर उत्तरकाशी के डीएम ने एक अग्निशमन वाहन मोरी से भेजा। एक वाहन हिमाचल प्रदेश के जुबल से भी बुलाया गया, लेकिन तब तक मकान जलकर राख हो चुका था। वहीं इस हादसे में जिन बच्चों की मौत हुई है उनका नाम है गुंजन 10 वर्ष, पुत्री त्रिलोक निवासी जाकटा त्यूनी, रिद्धि 10 वर्ष, पुत्री जयलाल निवासी बिताड़ा हिमाचल प्रदेश, अदीरा उर्फ मिष्ठी, पुत्री विक्की चौहान निवासी पटाला त्यूनी, सजेल 3 वर्ष, पुत्री विक्की चौहान निवासी पटाला त्यूनी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।